उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पर क्या बीती होगी, आज मैंने महसूस किया है। और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी। और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जया जी पर आप पिक्चर कर रही हैं, अब बहुत सारे उतार चढ़ाव उनके ज़िंदगी में थे और आपके ज़िंदगी में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, तो आप कितना रिलेट करती हैं? दूसरा सवाल ये कि फिल्म के दौरान, ट्रेलर के दौरान हमने एक सीन देखा जिसमें आप कह रही हैं कि ये जया की महाभारत है, अब जया की महाभारत होगी। तो जब आप मुंबई लौटी थी और आपके साथ जो आपका घर तोड़ा गया या ऑफिस तोड़ा गया, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आप वो जो इंस्पिरेशन था, जो वीडियो आपने बनाया था, वो वहीं से इंस्पायर होकर के बनाया था क्या? लाइक आई सेड, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ऐसा लग रहा था जैसे रील से रियल में आ रही हैं, जो डिज़ायरेबल भी नहीं हैं और जो हैं भी, बहुत ज़्यादा चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हो रही थी। लेकिन ये मेरा वाकई में मानना है, आप यू पिकअप एनी, आप हमारी हिस्ट्री में देख लीजिए, जो भी एक नारी का अपमान करता है उसका पतन निर्धारित है। तो दिस हिस्ट्री इज़ विटनेस, यू नो, रावणा इंसल्टेड सीता एंड कौरवाज इंसल्टेड द्रौपदी। आई एम नो वेयर क्लोज टू दोज देवीज, बट आई एम ऑल्सो अ वोमन एंड आई स्पोक फॉर माई ओन इंटेग्रिटी। आई डिड नॉट हार्म एनी वन, आई ओनली प्रोटेक्टेड माई इंटेग्रिटी एज अ वोमन, and then I was insulted. So for me, that what I recorded as a video message, I really truly believe that whenever you disrespect a woman, your destruction is definitely for sure guaranteed.